जैसा कि हमारी UP76 न्यूज़ की टीम कस्बा कमालगंज के वार्ड नंबर 3 में चुनावी सर्वे के लिए निकली हुई थी, तो हमें चलते चलते एक ऐसा घर दिख गया है कि जिससे आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। किस तरीके से त्रिपाल डाल के अपना गुजारा कर रहे हैं, सहयोगी से कहेंगे पूरा इनका घर दिखाएं किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। और बरसात में भी इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ सर्दियों में भी। और एक जो इनके भाई है वो विकलांग है, हम सहयोगी से कहेंगे दिखाएं पूरी तरीके से किस तरीके से ये विकलांग है, चल नहीं सकते हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं है, और इनका घर जो है पूरी तरीके से कच्चा है। और इनके यहाँ एक बूढ़ी माता जी हैं, आइए उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राम बेटे, राम बेटी। तो ये आपका घर कब से इस तरीके से झोपड़ी में रह रही हैं आप? गए 30-35 वर्ष हो गए। अच्छा, तब से आपको कॉलोनी वगैरह नहीं मिली? अच्छा, नहीं आपने मिले, कहा नहीं कॉलोनी के लिए, तो नहीं कही थोड़ा 3-4 दिन था, नहीं करे उन्होंने कहा क्या? अच्छा, या कही तुम्हारो नहीं करे। तुम्हारा करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, ये नहीं पूछा आपने? कही कही हम नहीं कर पाए। अच्छा, हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन्हें मना कर दिया, एक इनका कहना है कि हमने कहा तो था लेकिन हमें मना कर दिया है। किसने मना किया था? टोनरियम कही टोनरियम अच्छा, तीन नहीं भरवाया है ना, चेयरमैन साहब से कहा था आपने? तो 4 महीने तक गए, 2 बार, तीन तीन नहीं 13 महीने तक गए, नहीं चेयरमैन ने क्या कह दिया? कही हमारे बहन नहीं यहाँ, बहन नहीं कर पाई कछु जा कही। अच्छा, वो है नहीं और कर नहीं आपसे पा। रिश्वत नहीं मांगी थी जो जी पानी जी का इनके था, इनके भाई, इनके जो पुत्र हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। वोट जी पड़े थे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा राय बजरंगी भाई, मेरे से रिश्वत भी मांगी गई, 10,000 दो, आपकी कॉलोनी हाजिर है। अच्छा, कितने रुपए मांगे गए? नन्ही बिटिया अंदर, किसने मांगे थे? नन्ही बिटिया अंदर मेंबर्स थी, मेंबर ने मांगे थे। कितने रुपए मांगे थे? 10,000। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कोई उच्च अधिकारियों से नहीं की थी? की लेकिन किसी ने सुना नहीं जाए उसके अच्छा, बारे में। इसकी शिकायत आपने चेयरमैन साहब से नहीं की? की थी लेकिन लोग क्या कहते हैं, आपको कॉलोनी दे दें तो कहाँ रहोगे, लेकिन कोई रहने के ठिकाना नहीं। जाके हमने जमीन मेरी खुद की है, सब काम है खुद का, लेकिन लोग से कहते हैं लेकिन मेरी सुनते नहीं तो अब कोई। तो इलेक्शन का दौर आ गया, अब तो नेता लोग आ रहे होंगे वोट मांगने। आते हैं वोट भी लेने, आते हैं वोट भी लेने आते, सब कुछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे जिता दो जिता दो। हमने नहीं, 1,00,000 रुपए मुझे दे दो, लेकिन अब 1,00,000 दे दो, मेरा नंबर ले लो, लेकिन कहते हैं कि तो हमारा वोट फाड़ दो जाके। और राशन भी नहीं मिलता है मुझे, पूरा फुल राशन भी नहीं, अम्मा ना मिलता, सिर्फ 5 किलो राशन मिलता है। अच्छा, इसकी अच्छा यानी बहुत ही इनकी आर्थिक स्थिति जो है गंभीर है और समस्या भी गंभीर है। किस तरीके से इनका घर है, सहयोगी से कहेंगे थोड़ा एक बार इनका पूरे घर का नजारा दिखा दें। अंदर घुसे चट के ऊपर से सब या कोठरिया सब चट के बा में घुसा ना है, चट के सारे मट्टी ठोक छाप के इधर से देख लो आप। ये देख सकते हो किस तरीके का ये गिरने को है, कोई पता नहीं कब मकान ये गिर जाए, किस तरीके से ये सब दीवारें जो है चटकी हुई खड़ी हैं। और ये विकलांग हैं और एक बूढ़ी माता जी हैं, अपना गुजारा नहीं कर सकते, किसी तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बता रहे हैं कि परेशान है। जैसा कि हमारी चुनावी यात्रा कस्बा कमालगंज के वार्ड नंबर 3 से अम्बेडकर नगर में चल रही है, इसी को लेकर हम चुनावी सर्वे कर रहे थे, तो किस तरीके का हमें एक मकान दिख गया है कि जिसको आपको देख के ऐसा लगेगा कि कस्बा कमालगंज में और इस नगर पंचायत में एक ऐसा मकान, तो ये बड़ी बात है। जी भाई, क्या नाम है आपका? श्याम नारायण। श्याम नारायण जी, जी आपका मकान है, इसके लिए आपने चेयरमैन साहब से नहीं कहा था कॉलोनी वगैरह के लिए? कहा था हम भी चले गए बाहर, फिर उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये कब से इस तरीके का टूटा हुआ, कब से है ये तरीका? ये तो कम से कम 10 साल हो गई, इसी में रहते हैं आप? हम तो इसी में रहते हैं। अच्छा, तो इनकी महिला भी आई है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जगवती। भगवती जी, किस तरीके से आप जीवन यापन कर रही हैं ऐसे टूटे हुए मकान में, खतरे का? ऐसे ही कर रहे हैं आप अपना जीवन? जी, कहा नहीं आपने चेयरमैन साहब से इसके लिए? आप उनके पास कहा कहूँ जाके, मतलब गई नहीं अभी? हम भी रहते गए थे, 2-3 बार था, मिले नहीं। 2-3 बार गई लेकिन मिले नहीं? हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि ये 2-3 बार गई लेकिन वो मिल नहीं पाए किसी कारणवश। तो अब जो जैसे कि चुनाव चल रहा है, चुनाव आ गया नगर पंचायत का, तो इसमें नीतीश माहेश्वरी हैं, तरुण माहेश्वरी हैं और साथ अनुपम दास गुप्ता, सुशील गुप्ता, तो चुनाव में किसका सहयोग करेंगे आप? अब वोटों में आपकी बारी है ना आप? जी भाई, जो जीतेगा उसी करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है अभी? तो कोई नहीं दिख रहा।
इसमें से आपको कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है, जितने नाम सही है कौन सा सही है? यही चेयरमैन इस समय है सो। अच्छा वही सही है आपके हिसाब से। चलिए ठीक, शुक्रिया है। कॉलोनी अलोनी आई है, आपको तो मिली नहीं? हमें तो नहीं मिली, क्या करें बाहर से। अच्छा चलिए ठीक है जी। जैसा कि हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, माता जी क्या नाम है आपका? उषा जी। तो आपका कच्चा मकान बना हुआ है, इसके लिए आपने कोई कॉलोनी वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया था? किससे कहा था? कई तो बेटा रुपया मांगा, इतने दे इतने दे इतने नाम कर। कौन रुपया मांगता, कौन मांगता? अब नाम किनको बताना, कब जे इच्छे वे आउ देंगे। कौन कौन मांगता नाम बताइए उसका, कौन रुपया मांगता? अब नाम में था, मैं कम मालूम ना। कितने मांगे, कितने रुपए आप मांगा? कोई 10,000, 10,000 मांगा था। 5,000, 10,000 नहीं नहीं, कॉलोनी के लिए मांग रहे थे। हाँ भर के भी छोड़ दे। अच्छा तो आप क्या चाहती हैं? आप ये कच्चा मकान है, बोट नहीं ना, हमने हमें ना मलवाना है। अच्छा पैसे मांगे आपने? दे नहीं पाए। हमने हम आते हैं। उनका नाम नहीं मालूम आपको? नाम नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो के ये चीज अब वोट आ गया, इलेक्शन आ गया जैसे, तो आप किसका सहयोग करेंगे आप वोटों में? नीतीश को, तरुण को या अजय, और उसके बाद में सुशील गुप्ता, अन्नू गुप्ता, और पूर्व में जो के रह चुके हैं चेयरमैन, प्रत्याशी का नाम बताओ किसको आप, कौन सा प्रत्याशी आपको चाहिए? जो सहयोग दिए भाई को, भाई को कहना, इनमें से आपको कौन सा जो लग रहा है कि जो सहयोग देगा? अब आई हम किने बता दे जो हमें मान के चले भाई को कहना वोट दिए। चलिए ठीक है, इनका कहना है जो हमारा सहयोग करेगा हम उसी को वोट करेंगे। ठीक है, सहयोगी से कहेंगे इनका घर दिखाएं पूरा, किस तरीके से कच्चा है ये पूरा, खड़ा डरा। आप इधर आइए, इधर आइए, बच्चे हैं छोटे छोटे इनके, नहीं यही यही इसी में रहते हैं, और दूसरा घर है, दूसरा बनाए हैं, क्या करें। हम्म, आजकल लड़का की रोग रोटी नहीं देती।